तो हेलो गाइस, साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार और सिंपल एलईडी टेस्टर को बनाएंगे। इस टेस्टर को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको कुछ ही कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स, जो हमारा ये टेस्टर है 100% सेफ है, यानी कि आपको इसमें करंट लगने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा। तो इस एलईडी टेस्टर को किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, वो देखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसे बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 1 किलो ओम्स के रजिस्टर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक लेना है IN400 रेक्टिफायर डायोड। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने 2 सॉकेट लिए हैं। ये है हमारा DC सॉकेट और ये है मल्टीमीटर के प्रोक्स को लगाने के लिए एक सॉकेट। अगर आपके पास फ्रेंड्स ये ना हो तो कोई आप और सॉकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से सभी कंपोनेंट का जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो हमारा ये एलईडी टेस्टर है वो एकदम बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी एक पावर सप्लाई की। तो यहाँ पर मैंने ली है 12 वोल्ट और 2 एम्पीयर की पावर सप्लाई। आप यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको इस DC सॉकेट के ऊपर पावर सप्लाई को और इस दोनों कनेक्टर के ऊपर आपको मल्टीमीटर के प्रोब्स को कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा ये एलईडी टेस्टर है वो एकदम वर्क करने के लिए रेडी है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस 9 वोल्ट के सॉकेट को क्यों लगाया है, चलिए फ्रेंड्स वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स एक बहुत ही शानदार और छोटा सा मिनी मल्टीमीटर, जिस मल्टीमीटर को फ्रेंड्स मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाया था। अगर आप इस मल्टीमीटर को बनाना सीखना चाहते हो तो इसकी वीडियो की लिंक यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा। तो उस वीडियो को देखकर फ्रेंड्स आप इस मल्टीमीटर को इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस मल्टीमीटर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11.5 वोल्टेज दिखा रहा है। अब इसका यूज किया है फ्रेंड्स, आप जब भी इस प्रोब्स की मदद से डिफरेंट टाइप की एलईडी को टेस्ट करोगे तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो हमारी एलईडी है वो कितने वोल्टेज की है। जितने भी वोल्टेज की होगी फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से इस टेस्टर की मदद से डिफरेंट टाइप की एलईडी जेनर डायोड को टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी मदद से इस MCPCB की जो एलईडी है उसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमारी एलईडी है वो बहुत ही अच्छे से टेस्ट हो रही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो वोल्टेज है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास एक और DOB पैनल है, तो चलिए अब इसकी भी LED को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, इसकी LED भी बहुत ही अच्छे से टेस्ट हो रही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप वोल्टेज भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको करीब 3 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टेस्टर की मदद से सभी LED को भी इजीली टेस्ट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास एक जेनर डायोड है, तो चलिए अब इसे भी टेस्ट करते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स हमें करीब 9 वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब जो हमारा ये जेनर डायोड है वो 9 वोल्ट का है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप इस टेस्टर की मदद से सभी तरह की एलईडी को बहुत ही इजीली टेस्ट कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि जो हमारी एलईडी हो कितने वोल्टेज की है। तो फ्रेंड्स आपको इस टेस्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे फ्रेंड्स हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।